ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से आइमा व मुअज्जिनीन में रमज़ान राशन किट्स और 1200 रुपये नकद रकम दी गई है। इस मौके पर सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल मौलाना हकीम सूफी ने कहा कि ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल गुज़िश्ता 6 साल से आइमा व मुअज्जिनीन की खिदमात अंजाम दे रही है। जिन आइमा व मुअज्जिनीन को वक्फ बोर्ड से एजाजिया नहीं मिलता, उनमें ये राशन किट्स तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर मौलाना शफी मसूदी, अबरार हुसैन आज़ाद, मिनहाज कादरी व दीगर भी मौजूद थे। 18 से मुसलसल आइमा मुअज्जिनीन की खिदमत में लगे हुए हैं, चाहे हुकूमत की तरफ से एजाजियों की जो ना अदम इजराई का मामला हो या दरख्वास्तों की मंजूरी का मामला हो, हर मामले में अल्लाह ताला ने हमसे खिदमत लिया है और इंशाअल्लाह ताला खिदमत जारी रहेगी। लेकिन हुकूमत तेलंगाना जो तेलंगाना में आइमा मुअज्जिनीन के लिए जो एजाजियों का ऐलान किया था, जिसमें से सिर्फ 10,000 आइमा मुअज्जिनीन को एजाजे मिल रहे हैं। अभी इस वक्त वक्फ बोर्ड में